Welcome friends, today we are going to learn some important current affairs, that is part 2. Part 1 में हमने काफी कुछ जाना था, तो part 2 में हम चलिए जानते हैं कुछ important current affairs. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हसन रूहानी, जो कि second time, बिल्कुल याद रखना, second time president बने, president of पी लिखता हूँ यहाँ पर, president of Iran, तो ये बिल्कुल याद रखना, सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है, हसन रूहानी. और जो कि यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है. थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशनशिप के लिए इनका प्रेसिडेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि इफ़ आई इलेक्टेड, अगर मुझे चुनाव में जिताया गया तो मैं सिविल राइट्स के लिए एक चार्टर लाऊंगा और रिस्टोर द इकोनॉमी को ठीक करूंगा, यहाँ का इकोनॉमी जो गिरा हुआ है उसको ऊपर लाऊंगा. और यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्प्रूव रॉकी रिलेशनशिप विद वेस्टर्न नेशंस एंड वेस्टर्न यूनियन. ठीक है, जो वेस्टर्न नेशंस है उनके साथ जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो थोड़ा सा हम हसन रूहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस दे रहे हो, इसके लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के साथ ईरान का रिलेशनशिप फॉरेन अफेयर्स में भी आ सकता है. तो हसन रूहानी, जिन्होंने कि अपनी यंग एज में बहुत ही काफ़ी जोखिम भरा काम किया था, अपने 18 साल की उम्र में उन्होंने इराकी बॉर्डर को क्रॉस करके जोखिम भरा एक सफ़र में गए थे. तब के समय पे निर्वासित हुए जाने वाले नेता आयतुल्ला खमनी उनके साथ मुलाकात करने. ठीक है, आयतुल्ला खमनी होगा, रहतुल्ला खमनी नहीं. तो आयतुल्ला खमनी के साथ उन्होंने मुलाकात करने के लिए गए थे. 1979 में निर्वासित हुए जाने वाले आयतुल्ला खमनी के साथ रूहानी फ्रांस में थे लास्ट दिनों में, अंतिम दिनों में. तो इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंटशिप में अगर मैं आया तो न्यूक्लियर एक्टिविटी को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, जितना हो सके. तो और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते कि रूहानी 2003 से 2005 तक, तब के समय प्रेसिडेंट थे खतामी के अधीन, ईरान के टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे. ईरान के टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर, हिज टर्म वाज लिमिटेड, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था, तकरीबन दो साल से थोड़ा सा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 678 डेज से कुछ दिनों के लिए था, लेकिन बहुत ही पहुँचे हुए पॉलिटिशियन है. तो ये पांच भाषाओं को जानते हैं, पांच भाषा में महारत हासिल है इनको, और इनको डॉक्टरेट भी मिला हुआ है सरियाई आइन में. ठीक है, इन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड के ग्लासगो यूनिवर्सिटी से, कैलोडिना यूनिवर्सिटी से इन्होंने सरियाई आइन के ऊपर डॉक्टरेट हासिल किया था. ठीक है, इनका विषय था द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सरियाई लॉ. थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये वितर्कित है, ये थोड़ा सा आलोचना में आते हैं. यहाँ पर आयतुल्ला खमनी और जो अकबर हशमी रफसानजानी उनके दोस्त थे, अकबर हशमी रफसानजानी बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे. ठीक है, और ये पांच भाषाओं के ऊपर स्किलफुल है. अभी मैंने कहा इंग्लिश, जर्मनी हो गया, फारसी, रशियन और अरबी, ये पांच भाषाओं के जानते हैं, स्किलफुल है, बोल भी सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बोल दिया इंडिया और ईरान के बीच में
ए रिलेशनशिप के लिए इनका प्रेसिडेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नेशनल फिल्म अवार्ड 2017 के बारे में हम जान लेते हैं। रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट फीचर फिल्म कसब जो मराठी, सुमित्रा भावे सुनील सुकथंकर द्वारा डायरेक्टेड है, थोड़ा सा याद रखना। और फिर चलते बास्केटबॉल की तरफ। इंडिया में प्रथम बास्केटबॉल स्कूल खोला गया मुंबई में। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट NBA बास्केटबॉल स्कूल लॉन्च्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुंबई जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस देते हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन पीस मैसेंजर 2017 मलाला यूसुफजई, जो कि यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट प्रथम बार हुआ है मलाला यूसुफजई को यूनाइटेड नेशन का पीस मैसेंजर चुना गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर भारत और जापान के बीच में महत्वपूर्ण रिलेशनशिप के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको अश्विनी कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जापान के जो ग्रैंड कॉर्डन ऑफ ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इस सम्मान से सम्मानित किया गया 2017 में। ए पॉलिटिशियन है और एक्स मिनिस्टर भी थे अश्विनी कुमार। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन वंशज जो लंदन के प्रथम वशेत अनुजा रविंद्र धीर जज बने, फर्स्ट नॉन वाइट सर्किट जज ओल्ड वैली, याद रखना ओल्ड वैली से, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनुजा रविंद्र धीर बिकम्स नॉन फर्स्ट नॉन वाइट सर्किट जज एट ओल्ड वैली लंदन, ठीक है। और ये नागालैंड पुलिस ऑफिसर को शौर्य चक्र मिला, आटू जमुभू, ये फर्स्ट टाइम ऐसा अवार्ड मिला नागालैंड को अपने स्टेटहुड के बाद, 1963 के बाद। नागालैंड अटेन स्टेटहुड इन 1963 एंड सिंस देन दिस इज द फर्स्ट टाइम पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट हैज बीन अवार्ड विद दिस ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, ठीक है। तो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑटो जमुहू, याद रखना नाम ऑटो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऑटो जमुहू, ऑटो जमुहू, इनको शौर्य चक्र मिला, नागालैंड के पुलिस ऑफिसर है। तो फिर आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में नागालैंड पुलिस ऑफिसर ऑटो जमुहू और शौर्य चक्र। मैं काम करते हैं ऑटो का थोड़ा सा इमेज बना लेते हैं ऑटो, और यहाँ पर याद रखना कि एक नागालैंड के पुलिस खड़े हुए हैं और ऑटो को रोक रहे हैं, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर एक बात बता देना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर किसी को हम ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो जमुबू, नागालैंड पुलिस ऑफिसर शौर्य चक्र, बस। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर IIT खड़गपुर ने इंट्रोड्यूस किया अपने सिलेबस में वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में न्यू एक ऐड किया गया, ठीक है। भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए वास्तुशास्त्र एक इम्पोर्टेंट एक विषय चुना गया और इसको ऐड किया गया, ये याद रखना। और थोड़ा सा यहाँ पर एक नोएडा गर्ल सृष्टि कौर विंस मिस टीन यूनिवर्स 2017। मिस टीन यूनिवर्स कौन है? सृष्टि कौर, ठीक है। ये फिर चलते हैं आगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन BFJ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मौसमी चटर्जी। ठीक है, ये जो WBCS देते हैं, WBCS इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है। तो चलिए आगे, ये आप देख सकते हैं कि बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन BFJA अवार्ड 2017 मौसमी चटर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पर आप देख सकते हैं ये जो है काफ़ी बार मैंने देखा कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर किया जाता है GSLV मार्क थ्री, मार्क को मार्क थ्री। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका जो फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री। ये याद रखना, ये बहुत ही शक्तिशाली एक रॉकेट है जो इंडिया ने छोड़ा है 5 जून को। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से, हाइट कितना है ये आप देख सकते हैं कि 43.498 जो इसका हाइट है मीटर, ए और इसका वेट आप तकरीबन 640 टन इसका वेट है GSLV मार्क थ्री। और कब छोड़ा गया था, 5 जून 2017 सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI में स्टार लगा देता हूँ, 3 स्टार, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसके विषय में, तो आते रहते हैं क्वेश्चन सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस में भी। तो एक तो ये हो गया आपका कि फुल फॉर्म याद रखना, और ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और आगे हो सके तो कुछ ऐड कर लेना। और फिर इक्विडर के प्रेसिडेंट लेलिन मोरेनो, इक्विडर के प्रेसिडेंट बने लेलिन मोरेनो। ठीक है, और चलते फिर से सर्बिया प्रेसिडेंट अलेक्जेंड्रो वुचिक, सर्बिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 31 मई 2017 सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंड्रो वुचिक। और फिर से मुक्ता दत्ता तोमर अपॉइंटेड एम्बेसडर टू जर्मनी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी कहा था IFS एग्जामिनेशन के बारे में, इंडियन फॉरेन सर्विस ए बैच है 1984 मुक्ता दत्ता तोमर। ठीक है, अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी। ठीक है, चलिए, और हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इंडिया और चाइना ने एक मऊ किया, टाई अप किया, साइन। और चलते हैं, मनप्रीत कौर विंस द शॉटपुट गोल्ड एट एशियन ग्रैंड प्रिक्स लीड वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, शॉटपुट में एशियन ग्रैंड प्री मिला, इनमें गोल्ड मिला मनप्रीत कौर को। थोड़ा सा याद रखना, स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर एकदम लास्ट में चलते चलते मुंबई इंडियंस विंस IPL 2017। ठीक है, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद BCCI। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा।